We are going to learn simple future tense. हम simple future tense पढ़ने जा रहे हैं. हिंदी sentence के last में होंगा और एंगे ये शब्द आते हैं. मैंने जाऊंगा, शादी करूंगा, लौट आएगा, खरीदूंगा, देखूंगा. इस तरह से होंगा, एंगे ये शब्द आते हैं तो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है. सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब विल. सिंपल फ्यूचर टेंस में विल और वर्ब का मेन फॉर्म मुख्य रूप यूज किया जाता है. सिंपल फ्यूचर टेंस और रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड, इस दोनों तरीके से इस सेंटेंस को हम अंग्रेजी में बनाएंगे. देखिए पहला सेंटेंस है, मैं जल्द ही कानपुर को जाऊंगा. रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड से किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए उस सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले ढूंढना होता है. सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के लास्ट में कौन सा शब्द है ये देखना होता है. इस सेंटेंस के लास्ट में इस उंगा के लिए आएगा विल, उसके आईली और दो के ऊपर है जाओ, जाने का फर्स्ट फॉर्म है गो. देखिए आई विल गो, उसके आईली और इस तीन के ऊपर है को, को के लिए आएगा टू, उसके आईली और चार के ऊपर है कानपुर, कानपुर के लिए आएगा कानपुर, उसके आईली और चार के ऊपर है जल्द ही के लिए आएगा वेरी सून. देखिए आई विल गो टू कानपुर वेरी सून. देखिए क्या करना होता है, सब्जेक्ट ढूंढना होता है, फिर उस सेंटेंस के लास्ट में जाकर धीरे 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 हमें पीछे आना होता है, अपना सेंटेंस सब्जेक्ट तैयार हो जाता है. देखिए सेंटेंस सब्जेक्ट है मैं के लिए आए, इस सेंटेंस के लास्ट में से एक के ऊपर उंगा के लिए विल, उसके आईली और दो के ऊपर जाने का फर्स्ट फॉर्म है गो, उसके आईली और तीन के ऊपर गो के लिए आएगा टू, इसके आईली और चार के ऊपर कानपुर के लिए कानपुर, उसके आईली और पांच के ऊपर जल्द ही के लिए वेरी सून. देखिए आई विल गो टू कानपुर वेरी सून. नौकरी मिलने के बाद मैं शादी करूंगा. सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना होता है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं. सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे उस सेंटेंस के लास्ट में कौन सा शब्द है ये देखना होता है. इस सेंटेंस के लास्ट में इस उंगा के लिए विल, उसके आईली और दो के ऊपर शादी करने का फर्स्ट फॉर्म है मैरी, आई विल मैरी, उसके आईली और तीन के ऊपर है के बाद क्रिएगा आफ्टर, आफ्टर के बाद वर्ब का आईएनजी रूप आता है, मिलने का आईएनजी रूप है गेटिंग, उसके आईली और पांच के ऊपर है नौकरी, नौकरी के लिए अ जॉब. देखिए आई विल मैरी आफ्टर गेटिंग अ जॉब, एक हफ्ते के बाद वह मुंबई को लौट आएगा. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह के लिए आएगा ही. सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे उस सेंटेंस के लास्ट में कौन सा शब्द है ये हमें देखना होता है. इस सेंटेंस के लास्ट में इस एक के ऊपर है येगा, येगा के लिए आएगा विल, लौट आने का फर्स्ट फॉर्म है रिटर्न, उसके आईली और तीन के ऊपर है को के लिए आएगा टू, इसके आईली और मुंबई के लिए मुंबई. देखिए ही विल रिटर्न टू मुंबई के बाद के लिए आएगा आफ्टर और एक हफ्ते के लिए अ वीक. देखिए ही विल रिटर्न टू मुंबई आफ्टर अ वीक. अगला सेंटेंस है मैं दिवाली को नई गाड़ी खरीदूंगा. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं के लिए आए. इस सेंटेंस के लास्ट में उंगा के लिए आएगा विल, उसके आईली और खरीदने का फर्स्ट फॉर्म है बाय, उसके आईली और तीन के ऊपर है नई गाड़ी के लिए अ न्यू वैन, उसके आईली और तीन के ऊपर है को के लिए आएगा ऑन, दिवाली के लिए आएगा दिवाली. देखिए आई विल बाय अ न्यू वैन ऑन दिवाली. अगला सेंटेंस है शाम को मैं तुम्हारी राह देखूंगा. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं के लिए आएगा आए. इस सेंटेंस के लास्ट में देखूंगा के उंगा के लिए आएगा विल, उसके आईली और राह देखने के फर्स्ट फॉर्म है वेट, आई विल वेट, इस आईली और री के ऊपर तुम्हारी के लिए फॉर और तुम्हें के लिए यू, एंड को के लिए आएगा एट और शाम को आएगा इन द इवनिंग. देखिए आई विल वेट फॉर यू एट द इवनिंग और इन द इवनिंग. देखिए आई विल वेट फॉर यू इन द इवनिंग. फिर से देखिए आई विल गो टू कानपुर वेरी सून, आई विल मैरी आफ्टर गेटिंग अ जॉब, ही विल रिटर्न टू मुंबई आफ्टर अ वीक, आई विल बाय अ न्यू वैन ऑन दिवाली, आई विल वेट फॉर यू इन द इवनिंग. इस तरह से
हमने रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड और सिंपल फ्यूचर टेंस से वाक्य कैसे बनाने चाहिए ये हमने सीख लिया है। और इस रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड पर मैंने एक किताब लिखी है, रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड पर स्पीच चैलेंज टू स्पीक इंग्लिश किताब लिखी है। इसके पहले 5-6 पन्नों पर ये जो वाक्यों के नीचे जो 1, 2, 3, 4 जो नंबर्स दिए गए हैं, ये नंबर किसी भी वाक्य को कैसे दिए जा सकते हैं, इसके 8-10 रूल पहले 5-6 पन्नों पर दिए गए हैं। उसके बाद अंग्रेजी में और हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण होता है टेंस। हिंदी सेंटेंस के लास्ट में कौन सा शब्द आएगा तो कौन सा टेंस यूज करना चाहिए, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए, ये पहले पन्ने पर क्लियरली दिया गया है। फिर उसके बाद हर टेंस पर इस तरह से 15-20 सेंटेंसेस है, इस तरह से वो हिंदी में भी इन नंबर के साथ अंकों के साथ है और उसके नीचे अंग्रेजी में भी इन अंकों के साथ नंबर के साथ है। उसके बाद कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट आज्ञार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य। फिर उसके बाद पैसिव वॉइस का यूज कैसा करना चाहिए, डिग्री का यूज कैसा करना चाहिए, ये सभी यहाँ पर क्लियरली दिया गया है। फिर लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, न्यूज राइटिंग, इंटरव्यूज, कन्वर्सेशन, एसेज, रिपोर्ट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, ये सभी बात जो यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस एग्जाम में आते हैं वो सभी यहाँ पर लिए गए हैं। लेकिन जो भी भाग हो पहले पन्ने पर वो हिंदी में लिया गया है, फिर वही भाग दूसरे पन्ने पर अंग्रेजी में लिया गया है। लेकिन इस किताब को विद्यार्थियों को कैसे पढ़ना चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी भाग हो इस पहले पन्ने पर हिंदी में है लेकिन दूसरे पन्ने पर अंग्रेजी में है, लेकिन विद्यार्थियों को अंग्रेजी नहीं पढ़ना है, अपने आंखों के सामने हिंदी रखनी है, लेकिन हिंदी के नीचे ये जो अंक दिए गए हैं उन अंकों की ओर देखते हुए उन्हें अंग्रेजी में करने की कोशिश करनी है। देखिए सभी वाक्य हिंदी में है, देखना ही ओर है, लेकिन अपने दिमाग में या अपने मुंह से उन्हें अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है। आई विल गो टू कानपुर वेरी सुन, आई विल मैरी आफ्टर गेटिंग अ जॉब, ही विल कम बैक टू मुंबई आफ्टर अ वीक, आई विल बाय अ न्यू वैन ऑन दिवाली, आई विल वेट फॉर यू इन द इवनिंग। इस तरह से यह पूरा किताब, इसमें से जो हिंदी सेंटेंसेस है, हिंदी वाक्य है, निबंध है, पत्र है, भाषण है, उन सभी की ओर देखते हुए, उनके नीचे दिए गए अंकों की मदद लेते हुए उन सभी वाक्यों को, निबंधों को, पत्रों को अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करनी है। शुरू में आपकी स्पीड ज़्यादा नहीं होगी, आप बहुत धीरे 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 वाक्य बनाते होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप एक एक पेज पढ़ते जाओगे 15-20 दिन इस किताब को दिल से पढ़ने के बाद ऐसी स्पीड आएगी कि इस किताब में से सभी निबंध पत्र जो भी है वो सभी की ओर देखते हुए आप, मैं जिस स्पीड से आप हिंदी बोल रहा हूँ तो स्पीड से आप अंग्रेजी बोल सकोगे, और इतना इतने सभी वाक्य, सभी निबंध अंग्रेजी में बोलने के बाद अपने दिमाग में एक सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है। फिर अपने दिमाग में कोई भी सेंटेंस आया हो फिर इन नंबरों की जरूरत नहीं पड़ती, फिर अपने दिमाग में आया हुआ कोई भी सेंटेंस हम बोलने की स्पीड से अंग्रेजी में बोल सकते हैं। इतनी सिंपल टेक्निक है। अब आपने आपके दिमाग में यह सवाल होगा कि इतनी सिंपल टेक्निक पर जो बुक है वो जल्द से जल्द मुझे कैसे मिलेगा, ये सवाल आपके दिमाग में होगा। उसके लिए हमने सिंपल सा मेथड आपके लिए बनाई है कि हमारा जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर है 8983006177, ये हमारा मोबाइल नंबर है। इस नंबर पर आपको एक छोटा सा मैसेज भेजना है, आपका नाम, उसके साथ एड्रेस, और आपका जो भी स्टेट हो, राजस्थान, गुजरात, जो भी कोई स्टेट हो उस स्टेट को मेंशन करना, और आपके एड्रेस तक हम एक किताब भेज सके, ऐसा एड्रेस भेजने का आपको एक एसएमएस भेजने की आपका आपकी जरूरी है। आपका एसएमएस हमें मिलने के बाद इस नंबर पर 8983006177 इस नंबर पर आपका मैसेज मिलने के बाद 8-10 दिनों के अंदर यह किताब और हमारी इस तरह से कंप्लीट गाइडेंस रही हुई एक डीवीडी आपके एड्रेस पर आपको पोस्टमैन लाके देगा। आपको ये डीवीडी और ये किताब मिलने के बाद उस पोस्टमैन को इसकी कीमत 200 रुपये देनी है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि जल्द ही आप आपके भविष्य के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अंग्रेजी बोलना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे और इस किताब को पाओगे। इसके लिए मैं आपको शुभेच्छाएं देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।